हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स, और इसमें हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे घिरनिया, ठीक है। और घिरनियों में भी हमने जो प्रथम प्रकार की जो घिरनियों का सिस्टम है, प्रथम निकाय, वो हमने पढ़ा था, और उसमें भी दो केस थे। और जो पहला केस हम पढ़ चुके थे, जब घिरनियों का भार नगण्य हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस, है ना, केस सेकेंड, जब घिरनियों का भार नगण्य नहीं हो, जब घिरनियों का भार नगण्य नहीं हो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ भार हो, तब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि जो घिरनियां हैं, माना घिरनियों का भार, घिरनियों का भार स्मॉल डब्ल्यू वन, स्मॉल डब्ल्यू टू, स्मॉल डब्ल्यू थ्री है ना, जितनी घिरनियां हैं उसके हिसाब से ये है, ठीक है। तो देखिए, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता है, देखिए मैंने यहां पर आपको चित्र बना के बताया था, कुछ इस तरह से था। यहां पर एक गिरनी होती है ना, फिर एक गिरनी यहां पर होती है, फिर एक गिरनी यहां पर होती है, एक गिरनी यहां पर होती है, तो ये बिल्कुल इससे जुड़ी होती है, और इसका ये यहां से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होगा, इसका इसके केंद्र से जुड़ा होगा, और ये यहां ऊपर जुड़ी होती है, और इसका यहां से इस तरह से होती हुई नीचे आती है, ये ना। तो यहां पर ये हमारा आधार धारण है, यहां पर ये तो पुली है, ये पुली है, ये काम में आती है खाली इसकी दिशा चेंज करने के लिए, और इसके ऊपर लटकाया जाता है भार। तो ये प्रथम घिरनी निकाय था। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, इसके ऊपर जो लटका हुआ भार है वो डब्लू वन है, ठीक है, इसके ऊपर लटका हुआ भार डब्लू है, इस घिरनी का भार डब्लू वन, इसका डब्लू टू, इसका W3, इस तरह से इनका भार है, और ये जो W है ये लटकाया गया भार है। तो देखिए यहां पर इसमें, इसमें और इसमें दोनों में तनाव क्या होगा, T1 मान लेते हैं, दोनों में तनाव T1 होगा, क्यों, क्योंकि एक ही रस्सी है, इसलिए सीमांत संतुलन की अवस्था में इसके ऊपर क्या भार लटका हुआ है, W, है ना। तो W बराबर क्या होगा, टू टी वन, टू टी वन, लेकिन ध्यान दें यहां पर ओनली डब्लू नहीं होगा, इस घिरनी का भार भी होगा, इसलिए मैं इसको इस तरह लिखता हूं, टू टी वन बराबर कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू वन, ये क्या होगा, टू टी वन। तो अगर यहां से हम टी वन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, कैपिटल डब्लू बाई टू प्लस स्मॉल डब्लू वन बाई टू, ये टी वन का मान निकल के आया। अब हम बात करें इस दूसरी घिरनी के ऊपर, तो दूसरे घिरनी के ऊपर वजन कितना आ रहा है, T1 प्लस W2, है ना। तो देखिए इसके ऊपर मान लेते हैं कि जो तनाव है वो T2 है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो यहां पर देखो दो T2 है, दो T2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू T1 प्लस इस घिरनी का भार W2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, चलो T2 अभी निकाल लेते, तो T1 बटे दो प्लस W बाई टू, अब T1 का मान रखेंगे यहां पर, T1 का मान हमारे पास में ये रहा, तो कैपिटल W बटे दो, इसके नीचे दो इसलिए तो चार हो जाएगा, प्लस W1 बटे चार, प्लस ये जो मान है W2 बटे दो, तो ये मान हो जाए किसका, T2 का, है ना। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखिए यहां पर यहां तक T2 हो गया, अब इसमें और इसमें हम T3 तनाव मान लेते हैं, तो यहां पर 2T3 किसके बराबर हो जाएगा, एक तो इसके ऊपर जो तनाव लग रहा है T2 प्लस ये जो घिरनी है तीसरे नंबर की, किसका भार W3, तो यहां पर T3 निकालेंगे क्या होगा, T2 बटे दो प्लस W3 बटे दो। अब ध्यान दो यहां पर T2 का मान रखेंगे,
टी टू का मान हमारे पास ये रहा, तो यहां पर दो नीचे है मतलब सबके नीचे दो दो गुना और हो जाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू बटे दो दूरी चार प्लस डब्ल्यू वन बटे चार, पहले से आठ चार दूरी आठ, इसके भी आठ हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू टू बटे चार प्लस डब्ल्यू थ्री बटे दो, ये हो जाएगा है ना। तो ये क्या मान निकल गया हमारे पास में, ये आया टी थ्री का, और यहां पर टी थ्री इसी रस्सी के ऊपर है, तो यहां पर हमको टी थ्री मतलब इतना भार लगाना पड़ेगा इस भार को उठाने के लिए। ये किसकी वजह से हुआ, देखिए यहां पर तो टोटल भार है उसके आठवें हिस्से के बराबर, यदि तीन घड़ियां यूज कर रहे हैं तो आठवें हिस्से के बराबर, उसके अलावा जो पहली घिरनी का भार है उसके आठवें हिस्से के बराबर, दूसरी घिरनी के चौथे हिस्से के बराबर, और तीसरी घिरनी उसके दूसरे हिस्से के बराबर, हमको यहां पर टोटल भार लगाना पड़ेगा यहां पर। तो ये हम तीन घिरनियों के लिए जो निकाय सिस्टम है वो आ जाएगा, और ये कब है, जब यहां पर हम घिरनियों का जो भार है उसको कुछ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया किसका, ये सिस्टम हो गया हमारा जब घिरनियों का भार नगण्य नहीं हो। तो अब हम बात करेंगे ये T3, अगर हम इसको T3 जगह हम Tn ले लें तो क्या होगा, देखो W बटे 2 की पावर n प्लस W 1 बटे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस W 2 बटे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस W 3 बटे 2 की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 W, यहां पर अगर हम n लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, लास्ट तक इस तरह चलेगा, n कुछ भी संख्या हो सकती है 2 3 4 5 6 7, ये n क्या है, पुलियों की संख्या है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ये Tn बराबर क्या है, एक तरह से यहां पर लगाया गया आयास, एक तरह से हम इसको P मान सकते हैं, है ना। और W हमारे पास में पहले से मौजूद था, तो यहां पर देखें हमें अगर इसका यांत्रिक लाभ निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है W अपॉन P। तो यहां पर देखिए W कितना होगा, 2 की पावर n मतलब जितनी घिरनियां होंगी उनके गुणा में कैपिटल W बटे P की वैल्यू तो हम यहां पर निकाल चुके हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं W प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू स्मॉल W। ये कब होगा, जब मान लीजिए ये सारी घिरनियों का वजन समान है तब, और अलग अलग है तो यहां पर P की वैल्यू इस फॉर्मूले से रखी जाएगी। ये फॉर्मूला तब होगा जब सारी घिरनियां समान हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए कंडीशन, जब सभी घिरनियों का वजन समान है, सभी घिरनियां समान भार की हैं, तो ये हो गया हमारा प्रथम घिरनी निकाय। अब इसके बाद में हम चलते हैं द्वितीय घिरनी निकाय की ओर, तो मैं बोर्ड मिटाता हूं, और बोर्ड मिटाने से पहले आप ऐसे कीजिए इसको वीडियो को रोके यहीं पे, और रोकने के बाद में आराम से इसको उतार लें, और उसके बाद में आप इसको आगे चलने दें, है ना। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, हाँ दूसरा पॉइंट हमारा द्वितीय घिरनी निकाय। इसका मतलब है सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलीज, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलीज। देखिए क्या होता है, इस घिरनी निकाय में केवल एक ही डोरी का उपयोग किया जाता है, सिर्फ एक ही डोरी होती है, एक ही डोरी सभी घिरनियों पर से गुजरती है। इसमें दो ब्लॉक होते हैं, ऊपर का ब्लॉक आधार धरण से लटका होता है, इस ब्लॉक के नीचे की ओर एक इसमें एक दूसरा घिरनियों का ब्लॉक जुड़ा होता है, ऊपर का ब्लॉक अचर होता है और निचला ब्लॉक चर होता है मतलब सरक सकता है। ऊपर के ब्लॉक में घिरनियों की संख्या नीचे के ब्लॉक में स्थित घिरनियों की संख्या बराबर या एक अधिक हो सकती है, या तो बराबर होती है या फिर एक अधिक होगी। प्रथम स्थिति में डोरी का सिरा नीचे के ब्लॉक से बांधा जाता है, जहां दूसरी अवस्था में डोरी का सिरा ऊपर के ब्लॉक से बांधा जाता है। ब्लॉक में घिरनियों के अनुसार डोरी को ऊपर या नीचे बांधकर चित्र 8 में बताए अनुसार डोरी को ऊपर या तथा नीचे वाले ब्लॉक की घिरनियों
पर से गुजरते हुए अंत में उसके स्वतंत्र सिरे पर आयास पी लगाया जाता है तथा भार वाले ब्लॉक पर भार लटकाया जाता है। अभी जो चित्र आपको दिख रहा है इससे तो आपको क्लियर होगा होगा, है ना। तो प्रत्येक अवस्था में दोनों ब्लॉकों के बीच के डोरी के भागों की संख्या दोनों ब्लॉक में कुल घिरनियों की संख्या के बराबर होती है। क्योंकि पूरे निकाय में एक ही डोरी का उपयोग किया जाता है, डोरी के प्रत्येक भाग में तनाव बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि सभी में तनाव टी है जो कि पी के बराबर ही होगा, क्योंकि सभी में लास्ट हिस्से पर भी टी होगा, तो टी किसके बराबर होगा, पी के बराबर है ना। तो मान लेते हैं कि मान निचले ब्लॉक को संभालने वाली डोरी के भागों की संख्या एन है ना, तो एन बार डोरी यहां पर लपेटी गई है, तो ब्लॉक पर कुल ऊपरी मुख बल मतलब ऊपर की ओर एन रस्सियां हैं, तो एन गुणा टी कर लेंगे। तो देखो ऊपर की ओर बल, ऊपर की ओर बल क्या होगा बराबर नीचे की ओर बल, नीचे की ओर बल। तो देखो ऊपर की ओर बल कितना होगा एन इंटू टी, और नीचे की ओर कितना होगा, नीचे की ओर हम पी लगा रहे हैं ना, तो एन इंटू पी, तो एन से एन काट देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा टी बराबर पी हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दें हम पी को या फिर टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं देखो कैपिटल डब्ल्यू है ना, तनाव डब्ल्यू के बराबर होगा। और अगर हम यहां पर भार घिरनियों का कुछ भार लिख लेते हैं तो यहां पर टोटल भार हम स्मॉल डब्ल्यू भी लगा लेते हैं, तो यहां पर अगर कैपिटल डब्ल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, यहां पर इसको इधर ले जाकर किसी भी चीज एक में से घटा देते हैं, तो मान लीजिए एन पी माइनस स्मॉल डब्ल्यू, तो ये भार हम आसानी से उठा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम यांत्रिक लाभ निकालना चाहें एम ए तो क्या होगा डब्ल्यू अपॉन पी, तो यहां पर देखिए डब्ल्यू का मान तो हमने अभी निकाला एम पी माइनस स्मॉल डब्ल्यू, और पी का मान तो ये पी है यहां पर, तो यहां पर एम पी में पी का भाग दिया तो एन माइनस डब्ल्यू अपॉन पी, तो ये एम ए हो गया मतलब यांत्रिक लाभ। ठीक है, निचले ब्लॉक का भार नगण्य हो, निचले ब्लॉक का भार अगर नगण्य मान लेते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू का मान हम जीरो मान लेंगे, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा, जो कि आदर्श मशीन के लिए होता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा वेगानुपात, किसमें यांत्रिक उसमें आदर्श मशीन में। तो यहां पर देखिए अब अगर हम वेगानुपात निकालना चाहें वी आर वेगानुपात, तो यहां पर पी का विस्थापन बटे पी द्वारा चली गई दूरी, पी का विस्थापन बटे डब्ल्यू का विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो पी कितनी बार सरकेगा, हर एक उस पर टी के बराबर लगेगा, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं एन एक्स, और डब्ल्यू कितना सरकेगा सिर्फ एक्स के बराबर है ना, क्योंकि मान लीजिए डब्ल्यू नीचे है तो कितना सरकेगा सिर्फ यहां से यहां तक, और ऊपर का जो पी है वो कितना सरकेगा हर एक रस्सी में जितना हम यहां पर लगाने उतना सब जगह बराबर लगता रहेगा, तो एक्स से एक्स काट दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा बी आर बराबर एन। ठीक है, तो ये आदर्श के लिए हो गया, तो जहां एन घिरनियों की संख्या है दोनों ब्लॉकों में, तो ये हो गया हमारा द्वितीय घिरनी निकाय। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तृतीय घिरनी निकाय, तृतीय घिरनी निकाय। तो ये बहुत सिंपल था, इसका चित्र आपने देखा, तृतीय जिसको हम थर्ड बोल तृतीय घिरनी निकाय मतलब थर्ड थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिंग। तो ध्यान दीजिए ये सिस्टम कैसा होता है, आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसा सिस्टम होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसके बारे में बोल देता हूं। इस तंत्र में एक अचल घिरनी के ऊपर से गुजरती हुई रस्सी का एक सिरा एक क्षैतिज आधार से बंधा होता है ना, मतलब नीचे एक आधार होता है उससे सभी पुलियों के एक रस्सी को बंधी होती है, और जो दूसरी रस्सी है वो जो पहली का एक सिरा तो नीचे जो भार रखा है उससे होगा, दूसरा दूसरी जो पुली है उसके केंद्र से बंधा होता है। इस तरह से दूसरी का एक सिरा नीचे होगा और दूसरा सिरा अगली वाली पुली के केंद्र से होता है, तो इस तरह से होता है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे चित्र में कैसा दिख रहा है आपको, देखिए इस प्रकार की जो घिरनी है उसको भी हम दो तरीके से मान सकते हैं, इसमें भी केस एक
होगा जब घिरणियों का निकाय वो घिरणियों का भार क्या मानेगा, नगण्य मानेगा। तो देखिए पहला है केस फर्स्ट, जब घिरणियों का भार नगण्य हो, ठीक है, घिरणियों का भार नगण्य होगा मतलब T1 बराबर P। आप उनको मैं ये चित्र बनाकर दिखाई देता हूं क्योंकि बार बार दिक्कत, यहां पर देखिए ये तो इसका आधार होगा, इससे पहली घिरनी इस तरह से लटकी हुई होगी है ना, इस पर ये मैंने पुली लगा दी। अब देखिए यहां पर एक होता है भार लटकाने का सिस्टम, तो यहां से इस तरह जुड़ी हुई होगी और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसके केंद्र से जुड़ा होगा, इसका ये सिरा तो फिर यहां जुड़ा होगा, तो जो दूसरा सिरा है वो अगली वाली जो होगी उसके केंद्र से जुड़ा होगा, ये यहां जुड़ा होगा और इसका जो दूसरा सिरा है वो कुछ इस तरह से होगा, तो हम मान लेते हैं इसको ये नीचे की ओर है, तो यहां पर हमको पी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर तनाव सबके अलग अलग होंगे, तो मान लेते हैं यहां पर पी हम इसको टी वन के बराबर मान लेते हैं, टी वन यहां पर रस्सी एक ही है तो ये टी वन होगा है ना, यहां पर ये टी टू तो ये भी टी टू होगा, ये टी थ्री तो ये भी टी थ्री है, इस तरह से अगर हम ज्यादा घिरणियां माने तो ज्यादा होगा, तो इस तरह से आप घिरणियों की संख्या के आधार पर सिस्टम पर यही होता है। अब इस पर यहां पर बीचों बीच लटकाया जाता है भार जो होता है हमारा डब्ल्यू, ठीक है। हाँ अगर मान लेते हैं कि जो पहली घिरणी है इसका भार डब्ल्यू वन, इसका डब्ल्यू टू, इसका डब्ल्यू थ्री, तो यहां पर हम नगण्य की कंडीशन में तो ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री को कैलकुलेट करेंगे नहीं, और अगर नगण्य नहीं मान रहे तो उस कंडीशन में हम इनको भी मानेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर जब घिरणियों का भार नगण्य हो तो देखो क्या होगा, टी वन बराबर पी होगा है ना, तो यहां पर देखिए टी टू बराबर क्या हो जाएगा, टी टू बराबर टू टी वन टू टी वन, और हम T3 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2T2 मतलब 4T1, इस तरह से T4 निकालना चाहें तो यहां पर तो मैं चित्र में नहीं दिखा रहा लेकिन हम क्या लिख सकते हैं इसको 8T1 या फिर 2T3, तो 2T3 की वैल्यू क्या है 4T1 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 8T1 है ना, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम W की वैल्यू निकालना चाहें यहां से W कैपिटल W, तो क्या क्या लगेगा यहां पर T1 T2 T3, तो इन सबको जोड़ेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अगर आगे है तो और भी होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल W। हाँ और अगर हम इसको देखें इन सब की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा यहां पर T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, चलो T1 को तो T1 रहने दिया, प्लस T2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2T1 प्लस T3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 4T1 प्लस आगे देखें तो 8T1 प्लस इस तरह से आगे बढ़े तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो T1 हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस इस तरह से 2 की पावर रूप में बढ़ रहे हैं ना। अगर हम इसको n के रूप में ले लें तो t 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस चलो यही ले लेते हैं प्लस 2 की पावर n, इस तरह से हम लिख सकते हैं w है ना। और ध्यान दें अगर हम ये तो हो गया हमारा भार, ठीक है, और अगर हम बात करें आगे अगर हमारी पहली गिरनी है तो n का मान क्या होगा, एक कम होगा हमेशा, जीरो से शुरू करते हैं पहले नंबर के पे जीरो है, इसका मतलब क्या है यहां पर हम लिखना चाहें इसको W इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन, या चलो रहने दो इसको दिक्कत नहीं है ऐसे है ना, ऐसे ही मान लो बस बहुत है ये। और यहां पर W और P का तो जो फॉर्मूला है वो निकाल ही नहीं जाएगा, तो यहां पर अगर हम m में निकालना चाहें, वैसे नहीं निकाल रहा बुक में, मैं निकाल देता हूं w अपॉन p लेते हैं, ठीक है, तो w का फॉर्मूला हम यहां से ले लेंगे t1 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 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 इस तरह से, और यहां पर p की वैल्यू क्या है, यहां पर p के बराबर है t,
तो टी वन से टी वन कैंसिल आउट, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस प्लस प्लस, इस तरह से है ना। लास्ट में देखा जाए तो 2 की पावर n-1, तो ये निकल कर आता है हमारा क्या, ये निकल कर आता है हमारा यांत्रिक लाभ। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी, अगर हम यहां पर का भार नगण्य नहीं हो, सेकंड केस पढ़ते हैं इसी में, भार नगण्य नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। अब मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं यहां पर, आप वीडियो रोक कर इसको उतार ले, मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, चित्र नहीं मिटाऊंगा मैं, जो भी बदलाव होंगे वो सब मैं लिखूंगा इसमें, लेकिन चित्र नहीं मिटाऊंगा। देखिए यहां पर क्या होगा, कंडीशन सेम ही है, टी वन बराबर क्या होगा, पी होगा, टी वन बराबर पी होगा, यहां पर तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर हमको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें टी टू पर जाकर, क्योंकि क्या होगा, 2T1 प्लस इसमें W1 ऐड हो जाएगा, यहां पर देखिए 2T1 प्लस W1, जब हम T2 पर, इस T2 पर कौन कौन सा भार पड़ा है, ये और ये, है ना, तो ये हो जाएगा। और ये तो बात हो गई, अगर हम बात करें T3 की तो क्या हो जाएगा, T3 पर, T3 ये रहा, तो इसमें क्या क्या भार पड़ा है, 2T2 प्लस W2 प्लस W1 है ना। चलो इसको छोड़ो, हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे ना T3, तो 2T2 प्लस W2, अब यहां पर 2T2 की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहां पर 2T1 प्लस W1 प्लस W2, हल करेंगे तो 2 × 2 = 4, T1 प्लस 2 W1 प्लस W2, ये T3 की वैल्यू निकल कर आई। इस तरह से अगर हम T4 की निकालना चाहें, बस एक और निकालेंगे, तो क्या होगा, 2T3 प्लस W3, तो यहां से हम T3 की वैल्यू यहां से उठाकर रखेंगे, तो 4T1 प्लस 2W1 प्लस W2 प्लस ये W3, हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 8T1 प्लस 4W1 प्लस 2W2 प्लस W3 T4। अगर यहां पर हम Tn लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 4 है ना, मतलब 4 के लिए बात कर रहे हैं हम, चलो 4 के लिए, तो ये कितना हो गया, इसका दुगना, यहां पर 4, यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 3, हाँ मतलब यहां पर हम 2 की पावर 4 है तो एक कम, मतलब n-1 T1 प्लस 2 की पावर n-2 W1 प्लस 2 की पावर n-3 W2 प्लस 2 की पावर n-4 W1, कुछ इस तरह से ये वैल्यूज निकलती चली जाएंगी, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, ये हम W1 W2 W3 ले रहे हैं, ये हो सकता है कि यहां पर कुछ और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो Tn का फॉर्मूला है यही निकल गया है, और Tn क्या है, n क्या है, यहां पर पुलियों की संख्या है। तो ये हो गया हमारा जब हम घिरनियों का भार को से मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर देखें P T1 के बराबर है, और W यहां पर क्या हो जाएगा, इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर वेग अनुपात वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यहां पर जो VR का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा 2 की पावर n-1 x, क्योंकि यहां पर देखिए 1, 2, 3, अगर 4 मानते हैं तो 3 ही होगा, इसलिए 2 की पावर n-1 एक कम होगा, है ना, बटे भार तो उतना ही सकेगा x, तो x से x काट देंगे तो 2 की पावर n-1 ये हो जाएगा वेग अनुपात, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो घिरनी निकाय सिस्टम है वो हमारा यहां पर खत्म होता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।